नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऐसा एक फल के बारे में बताऊंगी जिसका पूरा भाग खाने के लिए और कुछ न कुछ रोगों के लिए बहुत अधिक उपयोग होता है। फल मीन्स फ्रूट। आप लोग सोचेंगे वो कौन सा फल है, आइए और देखिए। मैं शैला इसी हिंदी स्टेप्स आप सभी को स्वागत करती हूँ। कटहल। कटहल अंग्रेजी में जैकफ्रूट और मलयालम में चक्का कहते हैं। कटहल केरल का आधिकारिक फल है। आधिकारिक फल मींस ऑफिशियल फ्रूट। 21 मार्च 2018 को केरल सरकार द्वारा कटहल को राज्य का आधिकारिक फल घोषित कर दिया। यह वजन में काफ़ी भारी होता है। वजन मींस वेट। केरल सरकार प्रतिवर्ष कटहल महोत्सव यानी कि जैकफ्रूट फेस्टिवल का आयोजन करते हैं, क्योंकि इससे संबद्ध उत्पादों को जनता के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए। कटहल मलबरी परिवार का एक वृक्ष है। पोषक तत्वों एवं प्राकृतिक मिठास से परिपूर्ण किस्म। फल की उपलब्धता मई जून महीने में होते हैं। कटहल या फंस का वृक्ष शाखायुक्त सपुष्पक तथा बहुवर्षीय वृक्ष है। यह दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है। पेट पर होने वाले फलों में इसका फल विश्व में सबसे बड़ा होता है। फल के बाहरी सतह पर छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं। कटहल का पूरा भाग सब्जी के लिए एक अच्छी किस्म है। विटामिन ए, विटामिन सी, पोटासियम, कैल्शियम, आयरन, फाइबर आदि प्रचुर मात्रा में है। इसमें कैलोरी नहीं होती। कटहल विटामिन ए से भरपूर होता है। यह हमारी आंखों को हेल्दी पोषण प्रदान करता है। कटहल कैल्शियम से भरपूर होने के कारण हड्डियों को मजबूत करता है। कटहल में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जो हमारी बॉडी में आयरन की कमी को दूर कर एनीमिया जैसे समस्याओं को रोकने में मदद करता है। कटहल कॉपर से भरपूर होता है, जो हार्मोन उत्पादन और अवशोषण में थायराइड मेटाबॉलिज्म की हेल्प करता है। कटहल त्वचा रोगों के लिए अच्छा उपाय है। Thank you.
बीज की मींगी वीर्यवर्धक वात पित्त तथा कफ नाशक होते हैं। कटहल के चिप्स में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, जिससे आप किसी भी तरह के इन्फेक्शन से आसानी से लड़ सकती है। कटहल खाने से कब्ज में आराम, आंतों के कैंसर और पाइल्स में लाभदायक, मजबूत हड्डियां, ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण, एनीमिया में लाभ, रोग प्रतिरोधक क्षमता, आँखों की रोशनी आदि गुण होता है। आप सभी आज से कटहल को अपने आहार में जरूर शामिल कीजिए और स्वस्थ जीवन बिताइए। धन्यवाद।